तो हम लोगों ने दोस्तों अभी तक कल चर्चा की है यहाँ पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने आपको बताया कि एक सरफेस पर सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो। तो मैंने आपको ये भी बात बताई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इनकी कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, जो फील्ड का, वो अलाउ नहीं करता ऐसा करने के लिए। तो ऐसे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे भी यहाँ पे थिंक करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। लाइक इज दिस वन कि एक सिंपल सा एग्जांपल है जो AIEEE 2007 में भी आया हुआ है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को। और ऐसे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस टाइप से दिखाए गए हैं, और सभी के सभी पैरेलल भी हैं। और मज़े वाली बात यह है कि सभी के सभी एक ही एंगल 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और इनके पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। इसका पोटेंशियल दिया हुआ है V इक्वल्स टू 10 वोल्ट, V इक्वल्स टू 20 वोल्ट, V इक्वल्स टू 30 वोल्ट। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, एंड ये 30 वोल्ट है। तो अब ये पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया पहले फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन डायग्राम जब बनेगा तो सारा का सारा मटेरियल वैसे ही रहेगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये एक्स के साथ इंक्लिनेशन इसका, और ये भी गिवन है कि V इक्वल्स टू 30 वोल्ट है, V इक्वल्स टू 20 वोल्ट है, V इक्वल्स टू 10 वोल्ट है। मैंने आपको बताया हमेशा हाई पोटेंशियल सरफेस से लोअर पोटेंशियल सरफेस की ओर फील्ड लाइंस होती हैं, और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए, ये हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, नो डाउट कि ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। मैं कह देता हूँ ये सी है, ये डी है, ये बी है, ऐसे ही कुछ ए कह देता हूँ, यहाँ पे ए डैश कह देता हूँ, कुछ भी कह दीजिए, आपकी मर्जी है। ये 30 डिग्री एंगल है। तो एक बात बताइए, ये जब 90 डिग्री एंगल बना दिया तो ये वेक्टर ई की डायरेक्शन हो गई, और वेक्टर ई की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के साथ कितने एंगल पर है, 90 प्लस 30, एंड 90 प्लस 30 तो 120 हो गया। फर्स्ट आंसर आपको यहीं मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया, लेकिन इस वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए। तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर होता है, तो ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा। अब डी वी हम कोई सा भी दो सक्सेसिव ले सकते हैं, चाहे ये दो ले लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए, चाहे इन दो के बीच की बात कर लें। तो यहाँ देखिए, किसी दो सक्सेसिव की बात करें, अच्छा ये डिस्टेंस भी गिवन थी, ये दिया था 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर गिवन था क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया था। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए कि ये जो डी आर है, अब डी आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डी आर, ये है डी आर, डी आर इज़ नथिंग बट दिस इज 30 डिग्री, एंड जब ये 30 होगा तो ये कितने का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। और ऐसे में दिस इज बेस बाय हाइपोटेनियस, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये जो डिस्टेंस है ये देखा जाए 30 माइनस 20, ये 10 तो हो गया, लेकिन हमें तो बी डी चाहिए, डी आर का मतलब बी डी चाहिए, ये हो गया
30 माइनस 20 सेंटीमीटर में है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज बी डी बाई एडेस बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो बी डी इक्वल्स टू एडेस बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं डी आर यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, डी आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टेन कॉस 60, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब डी वी की बात करते हैं, तो डी वी का एक मतलब दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, यदि आप डी आर ये लेते तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल करना पड़ता, तो फिलहाल मैंने ये दो ही सक्सेसिव पॉइंट प्लेट्स ली हैं, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, डी वी की वैल्यू डी वी इक्वल्स टू 20 माइनस 30 दैट इज माइनस 10 वोल्ट। बस हमें वैल्यूज मिल गई हैं, पुट करना है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 10 बाई डी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, और E का मतलब वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर चाहे न्यूटन पर कूलम, दोनों एक ही बात है। तो यूँ कहा जाए कि ये 5 टू जा 10 2 और ये ऊपर जाएगा पावर 10 पावर 2 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर एंड 200 वोल्ट पर मीटर, ये E की वैल्यू आई। और डायरेक्शन कितना है, एट एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई होगी कि ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस पे और विचार करने से पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, हम बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ध्यान दीजिएगा, स्पेस थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होते हैं, कोई पॉइंट कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा तो एक्स वाई जेड तीनों के कोऑर्डिनेट उसके पास होंगे। अब यदि मैं ये कहता हूँ कि वेक्टर E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, लेकिन बाय द वे हम फ्री स्पेस में बात करें, इन फ्री स्पेस द पोटेंशियल V इज डिफाइंड बाई V इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड, मतलब इस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फॉर्म के रूप में है V। तो ऐसे में जो वेक्टर E होगा वो होगा डेल V, दिस इज डेल ऑपरेटर, और ये नेगेटिव टर्म के साथ आएगा, तो ऐसे में हम यूँ कहेंगे माइनस डेल ऑपरेटर का मतलब डेल बाई डेल एक्स I कैप, V है ही, माइनस डेल बाई डेल Y V J कैप, माइनस डेल बाई डेल जेड V K कैप। तो इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, और ध्यान दीजिएगा X के रेस्पेक्ट में हम V का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उस कंडीशन में Y और Z कांस्टेंट होगा, Y के रेस्पेक्ट में V का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो X और Z कांस्टेंट होगा, सिमिलरली Z के रेस्पेक्ट में V का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो X और Y कांस्टेंट होगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमें वेक्टर E मिलेगा। एक क्वेश्चन देखेंगे तो शायद ये बात हमें क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड बाय V इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2yz वोल्ट इन फ्री स्पेस, इन स्पेस वेयर x, y, z आर कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर माइनस 2 मीटर 0.2 मीटर। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, दिस इज द सॉल्यूशन, वेक्टर E इक्वल्स टू माइनस डेल ऑपरेटर V। थोड़ा मैं इसको दो पोर्शंस में बांट लेता हूँ, तो वेक्टर E इक्वल्स टू माइनस डेल ऑपरेटर डेल बाई डेल एक्स V। अब V की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2yz i कैप, माइनस
डेल बाई डेल वाई, वंस अगेन आई हैव टू राइट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई जेड जे कैप माइनस डेल बाई डेल जेड एंड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई जेड यहाँ के कैप। तो ऐसे में अब डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, तो माइनस सिक्स एक्स आई कैप माइनस, अब ये वाला पोर्शन जीरो हो गया क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, कांस्टेंट हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो अब ये हो जाएगा प्लस टू जेड जे कैप, और ऐसे में वंस अगेन ये डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया प्लस टू वाई के कैप। हमें वेक्टर e मिल गया है, अब हमें तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखनी है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू विल फाइंड, यहाँ पे लिख देता हूँ एट पॉइंट पी 1 meter कॉमा माइनस पॉइंट 5 meter कॉमा माइनस पॉइंट 2 meter वेक्टर e इज इक्वल टू माइनस सिक्स की जगह 1 रखेंगे 1 प्लस 2 जेड की जगह 0.2 रखेंगे माइनस में माइनस 0.2 जे कैप प्लस वाई की जगह माइनस 0.5 रखेंगे माइनस 0.5 के कैप, और ये आएगा वोल्ट पर मीटर में चाहे न्यूटन पर कूलाम में लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 6 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप माइनस 1 के कैप वोल्ट पर मीटर। आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज नथिंग बट दिस इज होल रूट ऑफ 36 प्लस 0.16 प्लस 1 एंड दिस इज रूट ऑफ 37.16 वोल्ट पर मीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 6 point approximately 29 वोल्ट पर मीटर, 294 वोल्ट पर मीटर के आसपास आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फ्री स्पेस में पोटेंशियल एक्स वाई जेड के टर्म में डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो हम लोगों ने कोई पोटेंशियल सरफेस इसके कुछ बातें हमने देखी हैं और आपको ये बता भी दिया हूँ ऑलरेडी कि यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड किया जाए या पता चल जाए और उस जगह पर हम यदि इन्फेनाइट से कोई चार्ज ला के रख दें तो वो चार्ज अपनी एनर्जी स्टोर कर लेगा और वो एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और एक बात इसी के तहत हम लोग कह रहे कि अब बाय द वे मान लीजिए थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लेते हैं किसी चीज़ को चार्ज करने का, लेट कि पहले से एक न्यूट्रल बॉडी है, अब न्यूट्रल बॉडी को जब चार्ज करेंगे तो चार्ज करते ही अब वो फील्ड अपने आप बना लेगा, अपना खुद का फील्ड बना लेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कहीं चार्ज आया कि उसका फील्ड डेवलप होना शुरू हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक बॉडी लेता हूँ, ये कोई सी भी बॉडी, मैं इस स्फेरिकल बॉडी की कल्पना कर लेता हूँ, ये कंडक्टिव है चाहे इंसुलेटिव हमें पता नहीं है, मान लीजिए कंडक्टिव है, अब मुझे इसको देना है बहुत सारा चार्ज, क्यू चार्ज देना है, अब इस क्यू चार्ज को एक साथ तो दिया नहीं जा सकता है क्योंकि ब्रेकिंग कंडीशन इमीडिएट आ जाएगी, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसको सेगमेंट में चार्ज देंगे। मान लीजिए कि पहली बार में हमने इसको डी क्यू चार्ज दिया, फिर दोबारा से इसको डी क्यू चार्ज दिया, लेकिन ये पहली बार में डी क्यू चार्ज देना तो आसान होगा, दूसरी बार में डी क्यू चार्ज देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये डी क्यू चार्ज दिया जाएगा ना ये अपना फील्ड डेवलप कर लेगा, इसी डी क्यू का फील्ड डेवलप हो जाएगा, और जब इसका फील्ड डेवलप हो जाएगा तब ये बाद वाले जो सेगमेंट वाले चार्ज हैं उनको इतनी आसानी से नहीं आने देगा, रिपेल करने लग जाएगा, रिपेल करेगा तो अब हमें ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से इस पे आ पाएगा, अब बड़ी मुश्किल से तो आ गया लेकिन अब और ज़्यादा फील्ड डेवलप हो गया, अब बाद वाले जो सेगमेंट्स के चार्जेस लाए जाएंगे उनके लिए और मुश्किलें खड़ी होती जाएंगी, जल्दी जल्दी तो आ नहीं पाएगा जैसे शुरुआत में आया था वैसे तो आ नहीं पाएगा, अब बिल्कुल धीरे 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 आएगा, मतलब इसके अपने फील्ड में इस पूरे चार्ज को इस पर लाने के लिए
जो सेगमेंट के अंदर जो हम लोग चार्ज लाएंगे इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि ये अपनी खुद की एनर्जी भी डेवलप करेगा और बाहर वाले आने वाले चार्ज को जल्दी आने नहीं देगा। लेकिन एक बार चार्ज इसके सरफेस पे आ गया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे एनर्जी को, इस बॉडी की इस एनर्जी को हम कहते हैं सेल्फ एनर्जी। हम थोड़ी सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे और जब सेल्फ एनर्जी की बात होगी उससे उसी में एक बात और हमें शामिल करना होगा कि इस बॉडी का पोटेंशियल हम लोग क्यों चार्ज दे करके कितना फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम बॉडी का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर सेल्फ एनर्जी पे डिस्कस भी करेंगे। दो पॉइंट्स आपके माइंड में हैं तो सबसे पहला हम काम कर लेते हैं वेरियस बॉडीज़ को चार्ज करते समय वो कितना पोटेंशियल अपने सराउंडिंग में या अपने सरफेस पे कैरी करेंगे। लेट मी सी हियर। तो हम लोग वेरियस टाइप के चार्जेस की वजह से उसके पोटेंशियल की बात करेंगे और सबसे पहले हमने लिया है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिव स्फीयर को। अब यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिव स्फीयर को यदि हम चार्ज दिए हैं तो ये इस तरीके से इसके सरफेस पे फैल गया है। यदि इस स्फीयर में यदि मैं कहूँ ये सॉलिड स्फीयर है तो भी सरफेस पे ही चार्ज आएगा। यदि अंदर से पूरी तरह से ये पूरा लेयर का बना हुआ स्फीयर है तो भी ऐसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए पोटेंशियल इसी फॉर्मेट से हम निकालेंगे। तो नो डाउट कि इसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर हो सकता है और कोई पॉइंट इसके सरफेस के आसपास भी हो सकता है। इसको P1 कह दीजिए, इसके अंदर भी हो सकता है, P2 कह दीजिए। मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस R है, जो भी डिस्टेंसेज हम R ले रहे हैं। तो नो डाउट कि नंबर फर्स्ट एट R, एट पॉइंट पी, मतलब ये कैसा पॉइंट है जिसके लिए जो डिस्टेंस आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। कैपिटल आर इसकी रेडियस है। आपको पता है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है। एट पॉइंट पी ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ क्यू की जगह कैपिटल क्यू लिखता हूँ। अब इस फील्ड में हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो वी एट पॉइंट पी इक्वल टू, आपको पहले से मैंने बता रखा है फॉर्मेट, माइनस इनफाइनाइट टू ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, यहाँ तक हमें किसी चार्ज को लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ई डी एक्स नेगेटिव। और आपको पता है 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा के क्यू बाई आर। तो R जो है इसके साथ पोटेंशियल वेरी करेगा, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल भी होगा, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/r। ग्राफ हम लोग बाद में देख लेंगे, दैट्स मीन V प्रोपोर्शनल टू 1/r। यदि हम बात करते हैं सरफेस पर एट पॉइंट P1, मतलब R इक्वल्स टू कैपिटल R, तो नो डाउट कि V8.P1 इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल R हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल R की जगह कैपिटल R हम पुट कर देंगे। अब नंबर थर्ड यदि हम बात करें कि एट पॉइंट P2, ये P2 कहाँ है, ये इनसाइड द स्फीयर है, तो ऐसे में R इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। और ऐसे में हमें जो इन्फाइनाइट से जो चार्ज लाना पड़ेगा वो पहले सरफेस पे फिर इसके अंदर लाना पड़ेगा, मतलब यो कहा जाए V8.P2 इक्वल्स टू माइनस EdX, पहले कहाँ तक लाना पड़ेगा, इन्फाइनाइट से उसके सरफेस पे, फिर अंदर फील्ड जो है अलग है, अंदर का अलग फील्ड है वो EdS है, तो सरफेस से अंदर लाना पड़ेगा और अंदर कहीं भी ला सकते हैं स्मॉल r पे EdS dx। आपको पता है E की वैल्यू बाहर की ओर जो है वो माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है dx इन्फाइनाइट टू r, और ये वाला अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो dx फ्रॉम r टू r। तो ये वाला तो पूरा का पूरा जीरो हो गया और ये जो बचेगा Vp2 आ जाएगा, के क्यू बाई r आ जाएगा,
और ये बिल्कुल वही है जो सरफेस पे था। तो सरफेस का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल ये दोनों सेम आया और ये दोनों ही मैक्सिमम है, मतलब ये दोनों मैक्सिमम है। तो यूँ कहा जाए कि किसी मेटल के सरफेस पर और उसके भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, और ये इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं वी वर्सेज आर। यहाँ से यहाँ तक रेडियस थी, तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर था। यूँ कहिए कि इसके बाहर वी की वैल्यू स्मॉल आर के साथ ऐसे डाउन होती जाएगी, और अंदर जो पोटेंशियल वो कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा वही जो सरफेस पर रहेगा, मतलब वी मैक्सिमम रहेगा, और वी मैक्सिमम की वैल्यू आप लोगों ने देख ही रखी है। तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं आगे, एक मिनट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड इंसुलेटिव स्फीयर की बात की जाए, तो जब भी किसी सॉलिड इंसुलेटिव स्फीयर को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब नो डाउट कि बाहर भी पॉइंट है, सरफेस पे भी है, अंदर भी है, और ये सेंटर पे भी हम बात करते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे यदि हम लोग इसके पोटेंशियल फाइंड करें तो बाहर का पोटेंशियल बिल्कुल वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसा कि पहले प्रीवियस केस में हमने किया था। सरफेस पे भी वैसे ही हम करेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होगा। अब आते हैं अंदर किसी पॉइंट पी टू पर। अब अंदर जब किसी पॉइंट पी टू पर आएंगे तो ये मटेरियल थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, मुझे समझाना ज़रूरी है। देखते हैं। तो जब हम इनसाइड द स्फीयर जाते हैं, टेक्निक वही है। नो डाउट क्या टेक्निक है, एट पॉइंट पी टू द पोटेंशियल इज, मैंने बताया इनफाइनाइट से आपको लाना पड़ेगा पहले इसके सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज को, और वो हो जाएगा ई डी एक्स के थ्रू जाएगा, क्योंकि ये फील्ड कुछ बाहर वाला फील्ड अलग है, अंदर का फील्ड कुछ अलग है। अब अंदर का फील्ड मैं कहता हूँ ई डी एक्स, ई डैश डी एक्स, आर से स्मॉल आर पे, तो वी पी टू क्या हो जाएगा माइनस, बाहर वाला फील्ड आपको पता है कि क्यू बाई एक्स स्क्वायर है डी एक्स फ्रॉम इन्फाइनाइट टू आर, माइनस अंदर वाला फील्ड आप लोगों ने देख लिया था इससे प्रीवियस वीडियोज में, आप लोगों ने देखा होगा के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब स्मॉल एक्स डी एक्स कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो ऐसे में ये मिल जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, इसको कैलकुलेट करने पाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर दिया जाए तो माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और पूरा का पूरा जब सॉल्व किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा थ्री बाई टू के क्यू बाई, यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बाई आर माइनस वन बाई टू के क्यू बाई आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर। यदि इसको हम लोग थोड़ा सा बेहतर फॉर्मेट में लिख दें तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू इक्वल टू के क्यू बाई टू आर क्यूब, मैंने कॉमन ले लिया एक तरह से, और यहाँ बच जाएगा थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो वेरिएशन है आर में क्वाड्रेटिक बन रहा है पोटेंशियल के साथ में, तो ये पैराबोलिक मतलब कि चेंज होगा, ये पैराबोलिक वेरिएशन वी पी टू और आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आर है, और वी पी टू एक सिंगल पावर आर है, तो पैराबोलिक वेरिएशन आएगा, अभी हम लोग ग्राफ में देखेंगे। और नंबर फोर्थ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब आर इक्वल्स टू जीरो, तो यही आर जीरो हो गया जो अंदर वाला आर था, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो वी एट सेंटर इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री बाई टू के क्यू बाई आर, आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें ये मिलेगा, और यही मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। तो थोड़ा इसको ग्राफिकली हम लोग डिनोट करके देखते हैं, वी वर्सेज स्मॉल आर, और यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम है, दिस इज द सेंटर,
और सेंटर से लेकर के इसके सरफेस तक, मतलब ये आर इक्वल टू आर तक पैराबोलिक चेंज आ रहा है। और ये, अब ये सब बातें ग्राफिकल फिजिक्स में आपको बढ़िया से बताई जाती हैं, यदि आप लोगों ने नहीं सीखा है तो आपको सीखने की ज़रूरत है। और ये वाला मैक्सिमम पोटेंशियल को दिखाएगा, मतलब वी मैक्सिमम, और वी मैक्सिमम की वैल्यू आपके सामने ऑलरेडी है। ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस का पोटेंशियल है। सरफेस का पोटेंशियल कितना है आपको पहले अभी दिखाया था मैंने, के क्यू बाई कैपिटल आर है और ये 3/2 के क्यू बाई आर है। तो ऐसे में वी मैक्सिमम क्या है, वी मैक्सिमम इक्वल्स टू 3/2 वी सरफेस कह देता हूँ, वी सरफेस के क्यू बाई आर है। ये रिलेशन भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन बॉडीज़ का पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके अदर एप्लीकेशंस पे मिलेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।